नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि अच्छे ही होंगे और हम भी अच्छे हैं। आज हम गन्ना सींचने जा रहे हैं अपना, और आप लोग देखें कि काफ़ी दूरी से पाइप लाना पड़ता है यहां पर, और हम काफ़ी दूरी से पाइप ला रहे हैं। आप लोग देखेंगे यहां पर, ये देखिए हम पाइप लिए जा रहे हैं और काफ़ी दूरी है समर की। यहाँ से लगभग हमारे खेत से लगभग 600-700 मीटर की दूरी पर समर लगा हुआ है, और वहाँ से हम पाइप ले आ रहे हैं। अब देखिए कितनी मतलब दूरी से पाइप ले आ रहे हैं, ये देखिए हम चलते ही आ रहे हैं उतने समय से। अभी तक खेत को नहीं पहुँच पाए हैं कि आगे पाइप बिछाएं खेत में। अब यहाँ पर देखिए कितनी धूप हो रही है इस समय, धूप होने के कारण और भी ज़्यादा परेशानी हो रही है। ये देखिए अभी आपको रीना जी भी आ चुकी हैं खेत को, अभी उनसे हम मुलाकात करवाते हैं। आप लोग आगे देखिए, ये देखो भैया रीना जी आ गए हैं, ये देखो पैर बिछा रही हैं, ये देखो ये दे रीना जी पैर बिछा रही हैं। अब देखो इका हुआ गन्ना हुआ पर दिख रहा है, मन तक ये अकेले पैर बिछी हैं भैया, क्योंकि हम उतनी दूर के लाए ना है तो हम कहे ना है परेशान हुई, तो रीना जी पैर बिछी हैं। और क्या बाद में यहाँ पानी फिर समर स्टार्ट करेंगे भैया, दूसरे इनकार समर है किराए तेरे भैया सिंचाई के पड़ते हैं यहाँ पर, यहाँ अपन कुछ निजी है ही नहीं, क्या तुम यहाँ गन्ना बवागा है बट तो वह यहाँ पानी लगावा का है भैया। ये देखो रीना जी वही देहुमन तक बिछा ले गई हैं, आप लोग देखो हमका लागत या पैप कम पड़ जाई, और उसके बाद में भैया फिर तेल आओ परी पैप बड़ी भैया किसानी में यहाँ मेहनत है, आप लोग तो देखते हो का किन जाए, लेकिन अब मजबूरी है किसानी ना किन जाए तो भैया खावा का जी लड़का बच्चन के यहाँ का खावा जी हम तुम का खावा जी हैं। अब ये देखो पैप कम पड़ गए भैया, ये देखो दौड़ जा रही हैं रीना जी पैप ले, ये देखो यह जा रही हैं दौड़त। अब भैया आप लोग देखो कत्ती मतलब लाइट आवत है जल तनिके देर तैके बद के दौड़त जा रही हैं, आप लोग देखो यह देखो दौड़त जा रही हैं भैया, बहुत मेहनत है किसानी में। आप लोग देखो कि रीना जी दौड़त जा रही हैं, यह देखो यहाँ अब चालू ही गवा है, यो पानी खाते आवे लाग है, यो देखो अब गन्ना भैया यो देखो कत्ता सूख ही गवा रहा है गन्ना है, अगर इमा पानी नहीं लागत दो चार दिन तो बिल्कुल ले बर्बाद हो जाते। ये देखो है बहुत सूखी गवा गन्ना है, कहा कि नहीं भैया अकेले चार मसला है, कुछ ज़्यादा भाव नहीं कहीं मिलते है, नहीं तो मतलब लगाई है दिन जा जल्दी जल्दी पानी भैया किराए का पानी तो वह पैसा देख पड़ते हैं, तो ज़्यादा जल्दी जल्दी लगावा ना जा सकते, अपन अगर निजी हो कुछ समर वगैरह तब लगा दिन जाए पानी, टेबलो अपन निजी हो टेबल काम नहीं करते हैं भैया यहाँ तो ये समर ही तेरे दूसरे इनके लिए लगाओ को पड़ते हैं पानी। यह देखो इतनी लंबी पाइप बिछी है, आप लोग खुद देखो यहाँ पर यहाँ देखो आगे टुल्लू लाग है, हमें तेरे पाइप बांधी जाते हैं समर यहीं तेरे कुछ नेरे पड़ जाते हैं, अगर समर पर तेल आवा जाए तो बहुत ही दूरी पड़ते है, हम तेरे करीब बैठी जाए 700-800 मीटर और यहीं तेरे तो बहुत 300 मीटर बैठते है पाइप बिछा के। यह देखो आप लोग ये यह देखो हुआ पर टुल्लू लाग है, ये भैया इसी हमारे पड़ोसी के लिए मूँगफली वही हैं, देखो मूँगफली बहुत बढ़िया है भैया, इन्हें क्या समर है तो ये अपन मतलब हरदम पानी लगावा करते हैं, जब जैसे लगाए वाला हो तैसे लगा देते हैं, तो भैया बढ़िया तो हुई बिक रही हैं। और हमार पंचन क्यार जिसे है तो भैया किराया क्यार पानी है, तो जब सूखे लागत है तब लगा पाते हैं, क्योंकि इतने पैसा तो देख पड़ी हैं भाई, 200 रुपया बिघा लेते हैं, 200 रुपया कोई कोई घंटा लेते हैं आएँ तो वह हिसाब तेरे भैया पानी लगावा जाते हैं, कि मतलब ज़्यादा पानी में नहीं लगाए मिलते इतने पैसों देख पड़ी हैं। ये देखो यहाँ पर यह उत्ता हुई गवाह है खेत, यह हो रहा है पानी अब खाते जा रहा है, आप लोग देखो यह बगुला देखो है बगुला उड़ रहे हैं, ये देखो यही यहाँ पर यहाँ यह थोड़ा बहुत तो ख्यातम पानी आए गवाह है, यह चल रहा पानी है। ये देखो भैया रीना जी हवा कटे जा रही हैं, आप लोग देखो यही देखो भैया बहुत मेहनत करती हैं, देखो आप लोग ये देखो ये हवा काट रही हैं दूसरे पारा में यहाँ सिंचाई उठ के, ये देखो
ये देखो, ज़्यादा चौड़ा ना काटो, हल्का काटो इसे। ये देखो हवा कट गया ऐसे क्या, और आगे खर कर दो सारा यहाँ, बस चला दो इसे। ठीक देखो भैया, देखो आप लोग देखो, ये देखो यहाँ पर, यहाँ ये टीला है खेत में है यार, मट्टी रीना जी इधर उधर हम कहीं रहना है फेंक दे तन तो मतलब कम से कम ये टीला हो ये नहीं, जहाँ तहाँ देखा तो भैया पानी जैसे खेत में यहाँ है लागा है, तो मैं जहाँ पर ऊँच है वहाँ पर पानी ना चढ़ रहा है, तो यह रीना जी देखो मट्टी यहाँ पर खलिया है वहाँ पर फेंक रही है। आप लोग देखो आए कितनी मेहनत भैया किसानी में यहाँ पर है, यह देखो यह सब टीला कही देन बराबर कह दो तो कम से कम भैया पानी मतलब बराबर समा लाग जाई, और ऐसे तरह अगर ये बराबर ना टीला माटी इसी उसी हटाई नहीं जाई तो यहाँ पर यहाँ पहले ही सूख जाई, और यहाँ क्या जो गन्ना है ये सूख पहले ही तरह लगी, और बाकी जो हुई तो खलिया है जिससे यहाँ जैसे देखते हो जहाँ पर पानी भरा है यहाँ क्या जैसे है, तो यहाँ क्या जल्दी ना सींचे वाला हुई, और ये जहाँ पर यहाँ टीला है तहाँ क्या भैया जल्दी सींचे वाला हुई जी, तो इतने बढ़ के फिर जल्दी है पानी लगाओ पूरी इतने ठीक है, ये टीला थोड़ा बहुत बराबर हुई जी हैं जाए चेरे जल्दी मतलब सींचे वाला ना हुई इक्के के भैया ये टीला बराबर गिन जा रहे हैं। भैया किसानी में यहाँ मतलब कहा रहे हैं किसान राजा होते हैं, किसान भैया राजा वाजा कुछ ना होते हैं भैया, किसान बहुत परेशानी झालते हैं। आप लोग देखो किसानी में यहाँ कितनी मेहनत पड़ते है, लड़का बच्चा आज ना आए हैं नहीं लड़का बच्चा है हम यहाँ जुटते हैं तब जाके पानी देखो, रीना जी परेशान हो गए हैं इतनी देर में है। आप लोग देखो ये देखो आ रही हैं कहती हैं बहुत थक गए हैं भैया, अब थोड़ा बहुत मदद तो करे कि चाहे आए, अब हम भैया थोड़ा बहुत मदद करा दी देखो, अब हम काट रहे हैं आप लोग देखो ये देखो भैया गन्ना सींचे कहे तो मेहनत तो करे पूरी ना इसी मेहनत करा जी तो कैसे भी आगे चल के कैसे काम हुए कैसे खर्चा चली है। देखो भैया राजेश रीना ब्लॉग है, आप लोग लाइक करो सब्सक्राइब करो और शेयर करो आगे बढ़ाओ भैया, यही महिला भैया हमारा थोड़ा बहुत सहयोग करो आप लोग अच्छा, और हमारे तिर भैया कुछ नहीं है अच्छा, राम राम सबकी, जय हिंद जय भारत, आप लोग खुश रहो।